हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेके आई हूँ रेनेयर प्लस कैप्सूल का फायदा और उपयोग। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेनेयर प्लस कैप्सूल एक मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल पूरक है। रेनेयर प्लस का उपयोग तंत्रिका दर्द, स्नायविक विकारों के कारण दर्द, सुन्नता और झुनझुनी, मधुमेह संबंधी बहुपद और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी स्थितियों के उपचार के लिए किया जाता है। रेनेयर प्लस का उपयोग कैंसर, एचआईवी और मधुमेह, शराब, नशीली दवाओं के सेवन के लिए सहायक चिकित्सा के लिए भी किया जाता है। यह क्षतिग्रस्त न्यूरॉन्स की गतिविधि को बढ़ाता है, होमोसिस्टीन के स्तर को कम करता है। रेनेयर प्लस चयापचय को बेहतर बनाने और विटामिन और खनिजों के नियमित उठाव में मदद करने के लिए शरीर द्वारा आवश्यक पोषण प्रदान करता है। यह उन मामलों में विशेष रूप से फायदेमंद है जहां नियमित पोषण संबंधी आवश्यकताओं को भोजन से पूरा नहीं किया जाता है। रेनेयर प्लस का सबसे आम उपयोग तंत्रिका क्षति का इलाज करना है। इसके अलावा रेनेयर प्लस का प्रयोग निम्नलिखित बीमारियों, स्थितियों और लक्षणों के उपचार, नियंत्रण, रोकथाम और सुधार के लिए किया जाता है। स्नायविक विकारों में दर्द, सुन्न होना और सिहरन, मधुमेह बहुपद, पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस, झुनझुनी या सुन्नता, सेलेनियम की कमी, गर्भावस्था के दौरान शरीर में फोलेट की आवश्यकता में वृद्धि, वजन में कमी, अनियंत्रित जुनूनी विकार, समय से पहले शिशु में सांस लेने में समस्या, केशन रोग, खून की कमी, एनोरेक्सिया, पोषण संबंधी उत्पत्ति, गर्भावस्था, शैशवावस्था या बचपन के अनीमिया का उपचार, फोलिक एसिड की कमी के कारण मेगालोब्लास्टिक अनीमिया का उपचार, दर्द, मुहासे, गठिया, नेत्र रोग, घबराहट की समस्या, पॉलिसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम, लिपिड चयापचय, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, मुंह में जलन होना, तीव्र श्वसन तंत्र संबंधी कठिनाई रोग, कैंसर, विल्सन की बीमारी, अल्प खुराक, ध्यान अभाव, सक्रियता विकार, एचआईवी, आयु संबंधी दृष्टि हानि। वीडियो पसंद हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।